आज देखें तो एक और खास ग्रुप है जिसके शेयरों में तेजी नजर आ रही है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में आज हम तेजी देख पा रहे हैं। आप देखिए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज जो है वो 5 से 8% का उछाल नज़र आया। इसके अलावा गोदरेज के बाकी शेयरों में भी आज तेजी नज़र आ रही है। पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी स्नेही जुड़ चुकी हैं। जी स्नेही, बताएं। जी हाँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। और आज कंपनी ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 2000 से ज़्यादा घर बेचे हैं। 3,150 करोड़ रुपीज़ का सेल्स उन्होंने किया है, और ये किया है उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लॉन्च पर, जो कि गोदरेज वुडस्केप्स है, जो व्हाइटफील्ड बेंगलुरु में आज लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, ये कंपनी का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्च है वॉल्यूम्स और सेल्स के टर्म्स में। ये कंपनी का 6ठा प्रोजेक्ट है पिछले 4 क्वार्टर में, जहाँ पे उन्होंने 2000 करोड़ से ज़्यादा सेल्स लॉन्च पर दर्ज किए हैं। और कंपनी का जो FY24 का साउथ इंडिया का सेल्स फिगर था पूरे लास्ट ईयर का, उन्होंने FY25 के पहले ही क्वार्टर में उसको पास कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के लिए, और इसके दम पर स्टॉक बड़ी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। कल का न्यूज़ फ्लो देखते हैं तो कल भी उन्होंने 2 अनाउंसमेंट रिलीज़ किए थे। पहला था बेंगलुरु में, उन्होंने 7 एकड़ का लैंड पार्सल एक्वायर किया है नॉर्थ बेंगलुरु में। इस पर डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत ही हाई एंड प्रीमियम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का होगा। डेवलपमेंट पोटेंशियल 9 लाख स्क्वायर फीट की है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल 1200 करोड़ रुपए का है। दूसरा एक लैंड पार्सल जो उनके पास था पुणे में, उन्होंने वहाँ पर 11 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का प्लान अनाउंस किया है। और डेवलपमेंट इस लैंड पर काफ़ी हद तक कमर्शियल रहेगा, हाउसिंग और हाई स्ट्रीट रिटेल, ग्रुप हाउसिंग और हाई स्ट्रीट रिटेल का प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होगा यहाँ पर। और इस लैंड का डेवलपमेंट पोटेंशियल है 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल यानी कि जो एस्टिमेटेड है यहाँ से वो है 1800 करोड़ रुपए। तो बहुत सारे फैक्टर्स के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक आज बहुत ही तेजी से ट्रेडिंग सेशन में बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्नेही आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक्शन की आखिर क्या क्या वजह हैं वो हमारी सहयोगी स्नेही ने आपके सामने रखा, तमाम बातें आपके सामने रखी। लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ही नहीं, गोदरेज ग्रुप के तमाम शेयरों में अगर हम देखें तो गोदरेज एग्रोवेट, इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज़, इन सभी में आज तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है। जाहिर है इसकी एक वजह यह है कि जिस तरह से गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो खबरें इसे सपोर्ट कर रही हैं, उनका असर बाकी स्टॉक्स में भी पूरे ग्रुप पर नज़र आ रहा है। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। गोदरेज ग्रुप के तमाम शेयरों को, खासतौर पे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर ज़रा निगाह डालिए, और इसी के मद्देनज़र, इसी को देखते हुए अगर हम रियल इस्टेट रियल्टी स्टॉक्स की अगर हम बात करें, वहाँ भी कुछ पसंद आ रहा हो तो वहाँ भी अपने ज़रा चुनाव रखिए। से पहले तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की ही बात करेंगे। एक कंसोलिडेशन था पिछले 10 से 15 दिन का, जो परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था उसी का ही फॉलोअप है। तो जो एक निशानी है कि न्यू हाई की तरफ स्टॉक अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल जिनके पास है आप बने रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कीजिए 3130 का। हमें लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम काफी अच्छा बन सकता है। अप्रोक्सीमेटली 15% का रन हम अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा टारगेट लेवल रहेगा दैट विल बी अराउंड 3840। दूसरा, आपने बात की गोदरेज ग्रुप का, तो अगर मुझे कोई दूसरा पोजीशन बनाना होगा तो फिर गोदरेज इंडस्ट्रीज की तरफ मैं जाना चाहूंगा। देखिए, काफी अच्छा एक अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 860 का जोन का, कल के सेशन में काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन बना था, क्लोजिंग मिला था, आज उसका फॉलोअप भी मिल रहा है। तो अगर किसी को पोजीशन फ्रेश बनानी है तो आप यहाँ पे बनाइए, सेम 860 विल बी माय स्टॉप लॉस, और यहाँ पे जो हम टारगेट रखेंगे वो करीबन 1040 का रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय थी गोदरेज ग्रुप स्टॉक्स पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्री, सभी शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी दिखाई दी है। आगे बढ़ते